एक पांचवी पास बच्चा जिसने की विदेश भेजने की पीएचडी कर ली, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात। इस टाइम ये जो तस्वीर तुम देखने लग रहे हो, असंद करनाल का, असंद और असंद का एक तुम देखोगे, बोले गौर से देखिए इस शख्स को, तो भाई तुम अंदाजा लाओ आगे पांचवी पास बालक क्यूकर पीएचडी कर सके विदेश भेजने की, वह भी विदेश भेजने की पीएचडी। उनका आगे बोले ई गोला पे कोई फिरकी लेवत है, ये देखो भाई बोले ई गोला पे कोई फिरकी लेवत है। तो तुम देखोगे भाई, गौर से देखिए शख्स को, जिनका नाम है जसविंदर सिंह, सुखजिंदर सिंह, जिन्होंने भाई कमाल कर दिया और विदेश में भेजने की पीएचडी कर ली। और भाई कंधों से कंधे मिला रखे हैं, गोल्डी इनके साथ है, तो ठाडू राम राम मान दो जी। राम राम जी। हाँ गोल्डी भाई, राम राम। राम राम धर्मु भाई जी, राम राम। तो जसविंदर भाई, पांचवी पास और पीएचडी कैसे पॉसिबल है? वक्त के थपेटों ने करा जी। अच्छा, वक्त क्या बोझ बढ़, मतलब जिंदगी का बोझ जब सिर पे पड़ा है लाइफ का अपनी का, तो ऐसे ऐसे बस आइडियाज आते रहे और अपना बोले जो जो दवा की दर्द बढ़ता गया है या तो घटता गया। बस इतने में जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, मेरा बेटा है, मैं मिलाता हूँ आप उनसे। अच्छा जी, मतलब सारा कुछ करने वाला तो यही है। आओ जी गोल्डी भाई, आज इधर आ जाओ। तो ये देखो भाई, शामी देखोगे तो मैपल इमिग्रेशन कंस्टिट्यूएंसी, तो ये है भाई असंद में एक ऐसा दफ्तर जहाँ ये कैश कहा भाई असंद का जो बस स्टैंड है इसके दौरे थे, हमने ये रिपोर्ट बना दिया। हाँ, आज इधर आ जाओ जी, आप भी गोल्डी भाई इधर आ जाओ। तो मतलब ये रिपोर्ट बना दिया असंद भाई, भाई कह सकते हैं कि भी बीयर पर्सन में लगा लो। बिल्कुल जी। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो जो महारत और जो जानकारी लेकर कान लग रही है, अगर भाई आपका जो मैपल इमिग्रेशन है बोले विदेश में तो पहले भेजे है और पीछे बाद में लिया है। बिल्कुल जी, पैसे का रोला है नहीं जी यहाँ पे, नहीं जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, पैसे का कोई रोला नहीं है। जो काम हम खुद कर रहे हैं ना, जो फाइलिंग हम खुद कर रहे हैं, उसका तो महाराज चैरिटी वाला सिस्टम सा चल रहा है जी। अच्छा, हाँ, लेकिन पैसे का रोला सिर्फ ये है, जो बच्चे जा रहे हैं वो फीस कॉलेज को दे रहे हैं जी। अच्छा भाई, मैं पीएचडी होल्डर क्यों कहूँ सुखजिंदर भाई को, क्योंकि 49 देशों का वीजा है इसके पास, ये बड़ी बात है। हाँ जी, 49 देशों में घूम लिए जी, घुमा दिए मेरे बेटे ने। अच्छा, घुमा दिए जी। ये देखो भाई, ये है वो शख्स जिसने की अपने पिता को 49 देशों की सैर करवा दी। हाँ भाई, क्या नाम? बरनीत। हाँ जी। तो बरनीत भाई वैसे कमाल ही कर दिया, बोले छोटी सी उम्र में लग गया रोग कहते हैं लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो कोई तो देखो, ये एक उल्टा सिस्टम हो गया, रोटेट हो गया, कहीं तो जो माँ बाप हैं वो बच्चे ने कामयाब करा करें, एक बच्चे ने पिता को कामयाब कर दिया। बिल्कुल कर दिया जी, इन्होंने वो दिखा दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा जी, तो आपको यकीन था कि पांचवी पास आपके पिता हैं और इनको 49 देशों का वीजा लग जाएगा इनका? हाँ जी, यकीन था जी, अपनी मेहनत पे यकीन था। हाँ जी। अच्छा बिल्कुल जी। तो आपने पढ़ाई कितनी करी है? मैंने प्लस टू की है जी। प्लस टू की है जी। तो तुम अंदाजा लगा इसको भाई, प्लस टू पास बच्चा, और क्या नाम बता? बरनीत ने अपने पिता को 49 देशों की सैर करवा के और पीएचडी होल्डर बना दिया है, पांचवी पास पिता को पीएचडी होल्डर। और भाई नीचे जो नंबर दे रखा है, इस नंबर पर तुम भी जब फोन करोगे तो तुम भी विदेश में जा सको हो। हाँ जी गोल्डी भाई जी, सर ऐसा ही है, बिल्कुल जा सकते हैं जी। जो सुखजिंदर सर हैं, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब से इन्होंने 49 कंट्रीज में ट्रेवल किया है, तो जो जो इन्होंने सीखा है वो आज वो सब लोगों को ये दे रहे हैं जो ये चाहते थे। जब इनको नहीं मिल पाया तो इनके बेटे ने इनको सपोर्ट किया, इन लोगों ने उन चीजों को अचीव किया, सारी कंट्रीज को इन्होंने ट्रेवल किया, और आज वो सब उन लोगों के लिए है जो विदेश नहीं जा सकते, उनको ये विदेश बड़े इजी तरीके से भेज सकते हैं। तो सुखजिंदर भाजी, किस किस तरह के वीजा के अपने पास, अपने दफ्तर में किस किस प्रकार के वीजा लगते हैं यहाँ पे जी? स्टूडेंट वीजा है, विजिटर वीजा है, और वर्क वीजा है। अच्छा जी, जी। तो भाई तुम देख सको, सामने स्क्रीन पर देखोगे तो अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, और टीचर की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मौके पर टीचर भी मौजूद हैं जो कि बच्चों को ट्रेन करे हैं, और आईएलटीएस और पीटी की अगर मैं बात करूं तो उसकी एक्सपर्ट टीम इनके पास मौजूद है जो कि हर उस बच्चे को उस तरह की ट्रेनिंग देती है। अभी किस तरह से जब बालक बाहर जाओगा, क्योंकि अपनी जो टूटी फूटी इंग्लिश है, क्यों जी टूटी फूटी इंग्लिश बोली जाओ हरियाणा में ज्यादातर, बोले वंश दरवाजे लोमड़ी सीवाज मारे खेत में जा बड़ी, बोले मारा डाला धाड़ पड़ी, तो इस प्रकार की इस डाल की इंग्लिश बोलने की वजह से कई बच्चे जो है उनका टाइम पर वीजा नहीं लग पाता, या लग भी गया तो फिर वो
रिफ्यूजल लग जाए उसका, ऐसा ही है जी? हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी क्या ड्यूटी है, किस तरह की वो करवाते हो आप ट्रेनिंग बच्चों की? मेरा नाम शीतल है, मैं यहाँ पे 9 महीने से काम कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है, हर एक जिस तरीके से मतलब होना चाहिए सपोर्टिव, वो हर तरीके से हमें सपोर्ट करती है, ना तो सिर्फ हमें बल्कि सिर्फ स्टूडेंट्स को भी। और अगर मैं बात करूँ अपने टीचिंग मेथड्स की, हम स्टूडेंट्स को अपने फुल डेडिकेशन से टीच करते हैं, ना तो सिर्फ उनको टीच करते बल्कि उनको गाइड भी करते हैं टाइमली कि कैसे आप लोगों को अपने एग्जाम क्रैक करना है, कैसे आपको स्टडी हार्ड करनी है, यानी कि पूरी ट्रेनिंग दी जावे है। और मैं फिर कहूंगा सुखजिंदर भाई की अगर मैं बात करूं तो देखो बड़ी बात है, क्या बार रिफ्यूजल लग गया जी आपका? मेरा जितनी अपना दिल्ली में एम्बेसी है ना, कोई ऐसी एम्बेसी नहीं जिसमें रिफ्यूजल नहीं करवाया अपना खुद का। अच्छा जी। सबका 2010 लग सब कंट्रीज रिफ्यूज हो चुका था जी, छोटी नहीं मैंने कोई भी, छोटे से छोटी भी रिफ्यूजल लगा लगा के पीएचडी होल्डर बन गई भी। लेकिन मेरा एक वहां पे क्या था कि जब मैं किसी एम्बेसी में जाता था ना, वो पूछे गए सवाल और दिए गए जवाब लिखता रहा। अच्छा। भी हर एक कंट्री का अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है भी, उस कंट्री में मैंने वीजा अप्लाई किया तो मैंने उनको क्या बताया और उनने मुझे से क्या पूछा, दिक्कत क्या आई। तो बस वो तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है जी, बहुत अच्छा आ रहा है। सुखजिंदर भाई आपने महाराज जो जानकारी मिली, महाराज जो गुप्त सूत्र है दोहरा, उन्हें बताओ था कि लगभग 600 बालक आपने विदेश में भेज दिए? जी भेज दिए, 600 बालक जो भेजे उनमें से जी कुछ 50 के बालक ऐसे हैं जो पैसे दे के गए हैं जी। अच्छा जी। बाकी विदाउट पैसे वाले हैं जी। ले भाई 600 बालक में तो 50 बालक ऐसे हैं जो पीछे दे के, बाकी नहीं है उड़न छू जी सारे। मतलब ऐसे था ना, ये सफर काफी लंबा है मेरा, मतलब ट्रेवल मतलब बाहर जाने वाला, रिफ्यूज कराने वाला, तो मेहनत इतनी कर चुका था ना, पैसे भी एजेंटों के पीछे भी भाग भूक के थक चुका था। तो लेकिन जब मुझे पता लगा ना भी ये तो बात ही कुछ नहीं है, तो मतलब वीजे का सिस्टम ठीक को ठीक सा है। चलो सुखजिंदर भाई की कामयाबी तरते दिखा दे भाई, क्योंकि सुखजिंदर भाई जो कि 5वीं पास हैं और उसका गेला गेला फिर नकीते तो कैसेट कंपनी की बात करा या किस डाल की स्ट्रगल करी, वह बातचीत भी साथ में चलती रहूंगी। इसके साथ साथ ऊपर जो क्लास चल रही है वह भी दिखा दें जी। जी जी बिल्कुल दिखा दें जी। चलो आओ जी, आ जाओ भाई। तो फिलहाल तो हम देख सको ये लाइव तस्वीर असंत हम देखने लग रहे हो, और ये देखो ये भाई इनके वीजे लाग लिए तो हम बाद में बैठे भाई लाग लिए हमारे तो वीजे डबल डबल वीजे लग रहे, ऑस्ट्रेलिया का भी, कनाडा का भी। अच्छा क्या नाम है? सुभाष सुंदर है। क्या वीजे लाग? मेरे 4 वीजे लग रहे हैं। अच्छा हाँ। चार फ्री, 4 हो गए तैयार, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं, बिना पैसे लगे जी से जमा नजारा बांध रखा सोरे ने। कनाडा का लगवाया थी पहले तू? अच्छा। दोनों जिया का? अच्छा। अभी इनका ऑस्ट्रेलिया का लगवाया दोनों जिया का। एक ये बैठे हैं जून साहब, भाई साहब राम राम। अपने भाई का छोटे का सुखविंदर का लगवाया बिट्टू साहब ने। अच्छा। कनाडा का वीजा लगा, अभी लगा 15 दिन में वीजा आ गया। 15 दिन में? ले भाई बड़ी कमाल की बात है कि 15 दिन में वीजा, नहीं तो कई बार 3-3, 4-4 महीने लग जाए हैं फिर आवे के रिफ्यूजल। रिफ्यूजल के अलावा कुछ नहीं है भाई। अच्छा क्या नाम भाई? सुखविंदर नाम। सुखविंदर तो कौन से देश जाओगे? कनाडा। कनाडा बड़ी चाह है कनाडा जान की, बड़ी लोगों में ख्वाहिश हुआ है, तो तेरे यकीन था भाई अब इतना जल्दी वीजा लग जाएगा? यकीन तो नहीं था सर। कौन था? 15 दिन में वीजा आ गया, 4 साल का गैप था सर मेरा। इतना गैप है पढ़ाई? 4 साल का था। 4 साल का गैप है भाई, 4 साल का गैप है और उसके बावजूद भी 15 दिन में वीजा आ जाए। स्कोर भी ओवरऑल 6.5 थे, एक मॉड्यूल में 5.5 थे। हाँ इन्हें भाई ये देखो जूते घस लिए हैं, ये देखो इसके जूते घस लिए हैं, कितनी धक्के खाए भाई? सारे करनाल में धक्के खा लिए थे। अच्छा। कहीं 2 साल हो गए थे और अभी नवंबर में मेरी आईलेट्स भी खत्म होने वाली थी। अच्छा, अच्छा। लेकिन सुभाष अंकल उन्होंने मेरे को गाइड किया भाई मैपल इमिग्रेशन है जो। अच्छा, उस पर जाओ तो यहाँ आ जाओ। 15 दिन में वीजा लग गया, फिर तुम खाली आता है कि मैं रसगुल ले के मैं लाडू के मिले का डब्बा। अच्छा फिर तू बताना भी को नहीं शर्मा है, ये देखो भाई डब्बा बड़ा उठा लिया सब तो पहले तो जिन्हें गाइड करे उनको खुआ हुआ। तो ये देख सको भाई 15 दिन में वीजा मायने रखा है, बड़ी बात है। और खुद जो है 5वीं पास और खुद 49 देशों का वीजा लगना बहुत बड़ी बात है, और ये सारा का सारा संभव हुआ है इनके बेटे क्या नाम है? बरनीत सिंह की वजह से ये संभव हुआ है, क्योंकि बरनीत ने पूरा रिसर्च करी है। हालांकि बरनीत खुद 12वीं पास है, लेकिन इसने पूरी रिसर्च करके किस किस डाल की रिसर्च करी भाई बरनीत? बिल्कुल जी,
कुछ साल पहले जब मैं 14 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया था एम्बेसी की वेबसाइट पे। हाँ जी, एम्बेसी की वेबसाइट पे जब मैंने लॉगिन किया तो वहाँ से जानकारी इकट्ठी की। 2-3 दिन लगातार मैं उसको देखता रहा, एक ही वेबसाइट को लगातार। तो उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वीजे अप्लाई किए हमने, खुद के पहले, बाद में जैसे सभी के, तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस चलता रहा। चलो बड़ी बात है, बड़ी बात है भाई, 600 लोगों को विदेश भेज चुके हैं। एक धर्मू भाई, अच्छा भाई बैठे हैं अपने, इनकी इनकी फैमिली भेजी है जी। हाँ जी, खुशवंत सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा। मेरा बड़ा भाई है जी, वो भाई साहब ने भेजा है। अच्छा। बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा। बहुत एक साल हो गया है वहाँ। अच्छा, वेल सेटल्ड। हाँ जी, हाँ जी, और पीआर भी हो गए एक साल में। ये देखो भाई चेहरे के ऊपर स्माइल देखो, हालांकि कई बार जो है विदेश। कितने पैसे में वीजा लगवाया जी? कुछ नहीं, कोई कबूतरबाजी के शिकार तो नहीं हुए? ना ना जी, फ्री सेवा है जी, बहुत बढ़िया काम है जी। कितने पैसे लगे? कुछ भी नहीं जी, बस हल्दी लगे ना फटकड़ी रंग भी चोखो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो भाई, हल्दी लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखो। तो ये है असंत का क्या नाम बता जी, क्या मैपल इमिग्रेशन, मैपल इमिग्रेशन की लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और ये देखोगे तो हम तो ये इधर चौक जीन चौक है जी इधर, और ये पूरी बिल्डिंग भाई, और इसमें आईएलटीएस और पीटी की कहाँ है जी, अपनी क्लासेस कहाँ चल रही है? चलो जी, तो फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो असंत से, जिसमें कि एक बेटे ने अपने बाप की पीएचडी करवा दी है और क्लास। हाँ जी, अच्छा और भी है ऊपर है, अरे एयरपोर्ट बना रखे गए। चलो इधर भी क्लास चल रही है भाई, मैंने तो ऐसा लगा है सुखजिंदर भाई तो हमने कि अरे एयरपोर्ट बना रखा है। अच्छा ये देखो भाई, ये पूरी पूरी ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि विदेश में जाने से पहले बालक ने के सीखना पड़े है, के उसकी समझाना पड़े है, तो उसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है वो फिलहाल लाइव तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो। तो हाँ जी बिल्कुल, ये देखो तो ये टीचर जो है पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ इनको पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पारुल। पारुल जी, पारुल जी, जमा देसी देसी जो बालक है उसको भी अंग्रेजी सिखा दो हमें। हाँ जी सर, हम अपना पूरा ट्राई करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेटर से बेटर हम करवा सके। इवन जो स्टूडेंट्स नहीं भी कर पाते उनको हम वर्ड्स को ब्रेक करवा करवा के और उनको क्या करते हैं, सिखाते हैं। इवन दो कि हम उनको स्पेलिंग्स का भी बताते हैं कि हम किस कैसे उसको लर्न कर सकते हैं, और हम बहुत अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अपनी एलईडी के ऊपर क्या करते हैं, बच्चों को रीडिंग करवाते हैं विद रूल्स करवाते हैं, क्योंकि हमारी पीटी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर, एज वेल एज हम रीडिंग के ऊपर भी फोकस करते हैं कि जिससे बच्चा जो है अपना हायर से हायर बैंड स्कोर को अचीव कर सके। और वी ऑल्सो गिव द गुड डेडिकेशन टू द ऑल स्टूडेंट्स। हाँ जी सर, कुछ कुछ इंग्लिश तो हमने भी आएगी। देखो एक के दिन में सुखजिंदर भाई, एक के दिन में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो मन्ने भी है। बहुत फर्क पड़ता है जी। ये तो बात है। तो बहुत सारे ऐसे, अच्छा कुछ जो आप बता रहे भाई, बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनका फ्री में वीजा आपने लगवा रखा है, तो हम अगर उनकी पड़ताल करना चाहूँ तो क्यों करो? उनमें से एक तो अभी ताजा है जी, जिसकी 1-2 दिन में फ्लाइट है। अच्छा। वो बाल्मीक समाज से है। अच्छा। तो वो गाँव जलमाना में है। फ्लाइट में पहले पकड़ ले, पकड़ सको जी आप, बिल्कुल पता कर जी। वे पर उससे तो हमने फ्लाइट के पैसे नहीं लिए जी। अच्छा, फ्लाइट के पैसे भी नहीं लिए? उसके पास बेचारे के पास कुछ था ही नहीं। अच्छा, अच्छा। जिनके पास कुछ नहीं है उनसे कुछ नहीं लेते? बिल्कुल जी है? बहुत सारे केस ऐसे हैं भी जो हमें लगता है ना भी वाकया में ये मजबूर है। ये तेरा बाबू ने सारा माल लुटा दिया। कोई दिक्कत नहीं जी, पैसे को नहीं कमाने के तुमने? ये तो हम तो कमाए जाइए लुटाए जाऊंगे ना लुटाने के लिए। एक तो मैं आपको पहले बता चुका था कि एज जो है 47 की एज है। बहुत सारे खाने वाले सामान ऐसे डॉक्टर ने मुझे रोक रखे हैं। अच्छा। और इसी जगह में हम जा नहीं सकते, इसी जगह जो घूम नहीं सकते, इसी जगह हम कपड़े नहीं पहनते, पैसा खर्चा कहाँ करेंगे, कहाँ करना खर्चा? तो किसी का गला काट के इन बच्चों को दे के जाके बाद में ऊपरी साहब हम क्यों देंगे भाई? और सीट पा जाओ, क्या नाम, मैं नाम फिर भूल गया इसका, बेटे प्रनीत भाई इधर आओ। तो ये भाई सारा किया धरा प्रनीत का है, और प्रनीत ने ही अपने बापू के रिफ्यूजल भी लगवाए। अच्छा, रिफ्यूजल एजेंटों ने लगवाए थे। मैंने सोचा रिफ्यूजल लगवा के रिफ्यूजल एजेंटों ने लगवाए थे। अच्छा।
लेकिन उस वक्त इसकी उम्र थी, ये दो साल का, दो तीन साल का था उस टाइम, आपके रिफ्यूजल लग रहे हैं, रिफ्यूजल लगे हैं। जब ये मतलब होया है 13-14 साल का, ये था 7-8 क्लास में था, उसी टाइम इसका आईक्यू ने काम किया। हाँ, ये शुरू से ऐसे फॉरवर्ड था। चलो प्रणीत भाई, मतलब जैसे किस किस प्रकार के वीजे अपने पास, जैसे वर्क वीजा, स्पाउस वीजा, स्टडी वीजा, और कौन से? हमारे पास सबसे पहले टूरिस्ट वीजा है, विजिटर वीजा जिसे कह सकते हैं, एक स्टडी वीजा है, और एक हम कर रहे हैं वर्क वीजा। प्लस में जो मेरा ब्रदर है वो कनाडा में है, तो हम पीयर कंसल्टेशन भी देख रहे हैं अभी तक। तो जशनदीप जो है मेरे ब्रदर, यही बात है भाई, मैपल इमिग्रेशन ने कई देशों के ऊपर कब्जा कर लिया है। चलो भाई, इसकी कुछ पड़ताल बाकी हैं, जिसकी पड़ताल खैर फिलहाल हम एक ऐसे शख्स द्वारा पहुंचाएंगे जिसमें ये दावा है अगर भाई इस इमिग्रेशन कंपनी यानी कि मैपल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी ने उनसे एक भी पैसा नहीं लिया, बल्कि फ्लाइट की टिकट का पैसा भी उसको दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गए यहाँ से पीटी करके, अपलाना गांव का है, थल के हैं, कुछ ऐसे बच्चे गए हैं जिनसे हमने पीटी की, आईलेट्स की फीस नहीं ली है। अच्छा, कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो इमिग्रेशन के दफ्तरों हैं वह नू कर रहे हैं भाई प्रोसेसिंग फीस के नाम से लूट खसोट, कबूतरबाजी, कुछ इस तरह का गोरख धंधा तो नहीं कर रखा था। नहीं जी नहीं, पहली बात तो हमारा जो वीजे का काम है ना जी, वो हमारे टेबल पे ही हो रहा है जी। अच्छा। हमारा इससे आगे कोई एजेंट है ही नहीं है। अच्छा, तो फिर इसलिए हमें एडवांस की लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई एडवांस नहीं लेते? कोई एडवांस नहीं लेते जी। आपका काम हो जाएगा, आप मान लो अगर स्टूडेंट वीजा है तो फीस भरनी है उसने अपने अकाउंट से ही भरनी है, और आगे कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फीस भरनी है वो अपनी मर्जी से भरे। तो जो विस्टर वीजे वाला है उसमें जी देखो कुछ लगता ही नहीं है, आगे किसको देने हैं पैसे उठा के। हाँ जी, 4 वीजे लगे हैं, कितना क्या बोरी पीछे ही लगी ना जी, एक पैसा भी नहीं, खाली फीस के पैसे भरे, एमएससी फीस है जो। अच्छा, एमएससी फीस है बस वो लगी है, जो एमएससी में फीस लगी है, नहीं कोई फाइल चार्ज नहीं कुछ नहीं है। बड़े बड़े दावे हैं, बड़ी बड़ी बात है, स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर फोन करके तुम और भी पूरी जानकारी ले सको हो, और जब तुमने असंद आवे पसंद तो भाई घूम फिर काड़े पहुंच जियो। ये वाला जो सेंटर खोलने का हमारा कोई मतलब विचार नहीं था। अच्छा जी। ना मतलब मैं तकरीबन 10-11 महीने की ट्रेवल होती थी मेरी हर साल, भी यहाँ से अमेरिका चला जाता था, अमेरिका से कनाडा, कनाडा से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ऐसे घूमता जैसे जैसे, और मैं ये मतलब ये नहीं कि मैं कल्ला, इसकी मम्मी और मैं दोनों ही घूमे, सारी की सारी जर्नी हमारी दोनों की है। आम क्या गुडली के दाम, घुमाई की घुमाई होगी जी। और आपका इमिग्रेशन का दफ्तर खुल गया जी, वो खोलने वाले तो जी शख्स ये हैं। अच्छा। मैंने नहीं खोला जी, वो गोल्डी बाजी खोलने वाले। चलो भाई, इनका आग्रह 1 और 1 11 और 1 और 1 और 8 आठ, तो कई इकट्ठे हो गए हैं। तो फिलहाल ये देख सको हो तो हम टीचर का जो पढ़ाने का स्टाइल है, उनकी जो तस्वीरें हैं, उनका जो अनोखा अंदाज है, उसकी तस्वीर तो हम मैपल इमिग्रेशन पे लाइव तो हम देखने लग रहे हो। ये एक अलग तरीके का मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन करके भाई, कुछ आवे समझ में? यस सर। क्या नाम है? प्रहलाद नाम है सर मेरा। प्रहलाद? यस सर। केड़ा पिंड है? रंगरूटी खेड़ा। अच्छा, शाबाश, आओ। हाँ, पहले आते थे, एक लड़का था जो मेरे फ्रेंड था, यहाँ पे करके गए था। अच्छा। मैं पहले दूसरे सेंटर में था तो यहाँ पे आया था, मैंने बहुत अच्छा लगा। अच्छा। जो टीचर वगैरह सब कॉर्पोरेटिव पूरे। दूसरे सेंटर में कोई मजा आया है? नहीं, वहाँ पे बहुत इतना वो नहीं। स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी गोल्डी भाई स्वाद आया है? बहुत आएगा जी। एक्चुअली ये क्या है कि हमने जो टीचर यहाँ प्रोवाइड करवा रखी है बच्चों को, वो इसी बेस पे हैं कि जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट्स आए। अगर बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा तो बच्चे विदेश नहीं जा सकते। तो सबसे पहली जरूरत यही है, बच्चों की पहली चाबी यही है विदेश जाने की, कि उनका रिजल्ट अच्छा आए। तो रिजल्ट अच्छा तभी आएगा जब वो बच्चे अच्छी टीचर से पढ़ेंगे। तो कोई 4 महीने से फेलियर आया, कोई 5 महीने से, कोई 6 महीने, पर हमारे पास 99.9% बच्चों के रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं जी। चलो भाई, इन दावे में तुमने कितना दम लगाया कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, और वीडियो ने कर दो जिला के शेयर शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि तुम भी विदेश में पहुंच सको जरूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।